subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. थैंक यू। अरे सर, आप आपके कैरेक्टर के बारे में बताइए। पर पागलपंती क्या? पागलपंती में मैंने कैरेक्टर सुजय का किया, सुजय घोष, बिकॉज चार फैमिलीज की स्टोरी थी एंड बहुत अच्छा कॉमेडी था। मेरा लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि मेरी फर्स्ट गुजराती फिल्म है ये, ऐसा कह सकता हूँ कि गुजराती का डेब्यू हुआ एंड इसके लिए इर्शाद दलाल जी जो इसके राइटर हैं मैं उनको बहुत दिल से आभारी हूँ, क्योंकि जब उन्होंने मुझे जैकी जी से मीटिंग कराया था तो दैट टाइम मैं डीडी नेशनल का एक शो कर रहा था हैप्पी होम्स, तो सेम कैरेक्टर ही था मेरा उस शो के लिए, तो सिमिलरली जैकी जी ने बोला कि इस तरह का कैरेक्टर है तो आप करिए, तो मुझे बहुत एक मैं बहुत नर्वस था क्योंकि गुजराती मुझे आती नहीं, आप घर ले जाओगे। निशाची ने मुझे कहा था कि नहीं सर मैं आपको स्क्रिप्ट भी लिख के दूंगा हिंदी में, तो बोला मैं करूंगा एंड आई रियली एंजॉयड द एंटायर क्रू कास्ट, वो जो हम 30 डेज थे बिजी में बहुत एंजॉय किया, बट उस एंजॉयमेंट में खाने के लिए रोज झगड़ा करता था गुजराती खाना बहुत खिलाया इन लोगों ने। तो गुजराती में आपके ज्यादा डायलॉग्स नहीं है, लेकिन आपने मूवी देखी है स्टिल? मैंने कुछ ट्रेलर्स देखे हैं और जब डबिंग किया है तो अपने सीन देखे, बट एंटायरली मैंने फिल्म नहीं देखी। ओके, तो आपने वेल बॉलीवुड में भी अपनी मूवी है बाइस्कोप वाला। यार थैंक यू, आज ही मेरी बॉलीवुड की बहुत बड़ी फिल्म बाइस्कोप वाला रिलीज हुई है और अच्छे खासे रिव्यूज आ रहे हैं एंड मैं बहुत खुश हूँ। मेरा कैमियो करेक्टर है बट मैं इतना खुश हूँ क्योंकि मेरी बहुत दिनों बाद एक बड़ी फिल्म आई, मेरा डेब्यू फिल्म था प्लेयर्स, उसके बाद रेस टू, उसके बाद बड़ी फिल्म ही की तो बाइस्कोप वाला, बट इट इज समथिंग डिफरेंट क्योंकि एक फुल स्टोरी है, जिस स्टोरी में काम करने के लिए मुझे जहां तक लगता है कि बहुत कम लोग को चांस मिला एंड देवाशीष जो इस फिल्म के डायरेक्टर है उसने कास्टिंग खुद किया था निशान के साथ बैठ के, और आई नो कि तो चार बार गया था इसका ऑडिशन देने डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए, और एक बार शायद मैं डांट भी खाया था, मेरा हैप्पी होम्स का शूट चल रहा था, रणवीर गोविल जी टोटली फायर्ड कि तुम मेरा शो कर रहे हो नहीं जाके ऑडिशंस दे रहे, लेकिन मैं उनको तब तक नहीं बता पा रहा था कि इतना बड़ा फिल्म है और डेली वेट करता था कि वाइस को वाला रिलीज कब होगा। फाइनली आज अच्छा रिव्यू के साथ रिलीज हुआ है, अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, सब मेरा करेक्टर के लिए भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ओ ऑसम, नेक्स्ट था उनके पास एंड रियली भगवान नहीं कह सकता हूँ, गॉड नहीं कह सकता हूँ, बट जो उनका इंटरेक्शन विद द अदर पीपल छोटे लोगों के साथ, या होता है ना बड़े बड़े एक्टर्स अपने वैनिटी में बैठ के ही खाना खाएंगे, एंड इज अ वेरी सिंपल मैन। मैं एक दिन था लकीली वो उस दिन आए हुए तो घर की खुश था, बहुत अच्छा उनके साथ एक्सपीरियंस। खूब कॉमेडी किया, खूब एंजॉयमेंट किया, तो हमारी मेन कैरेक्टर जो अमांडा थी उसके पीछे बहुत मैंने प्यार किया इसलिए भूलता हूँ, पता नहीं वो सीन है कि नहीं, बट आई थिंक एंटायर जो ये 2 घंटा 22 मिनट का फिल्म बनाया है बेस्ट सीन था कि मैं अमांडा के को, यानी मैं था कि मैं ही उसको प्यार करता हूँ एंड इट्स रियल कि शी लव्स मी, तो इतना मैं जैसे कहता हूँ ना प्यार का दीवाना हो गया था, तो उसके दरवाजे को ही लेके मैं प्यार करना शुरू कर दिया था, तो वो पता नहीं सीन है कि नहीं बट इट वाज अ लवली सीन, जब मैं मॉनिटर्स में देखता था मुझे लगता था वो बेस्ट कैरेक्टर था। अच्छा, तो अगर हम बात करें पागलपंती की, वो लोग ज्यादा मतलब एक्सप्लोर नहीं करते लोकेशन एंड एवरीथिंग, बट गुजराती मूवी ये फीजी में शूट हुई है वो भी इतना बड़ा स्टार था, सो आपको क्या लगता है कि रीजनल सिनेमा और बॉलीवुड की जो बड़ी बड़ी बिग बजट मूवी हो रहा है क्या वो दोनों को कंपेयर अगर करते हैं तो दोनों इक्वल हो रहे हैं? क्या स्टोरी स्टोरी हो रहा है गुजराती, नॉट ओनली द गुजराती
बहुत बरोबर काफी रीजनल फिल्म्स है, जिसमें रीजनल में सबसे ज्यादा भोजपुरी है। भोजपुरी में भी एक सेट पैटर्न पे शूट होता है, बट डे बाय डे मुझे लग रहा है कि वो भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, लाइक बंगालीज, मैं भी बंगाली रीजनल फिल्म भी कर रहा हूँ और वो भी एंटायर अब्रॉड शूट करने जा रहे हैं। बट मैं रियली जैकी जी को बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि जैकी जी ने बहुत बड़ा रिस्क लेके इतनी बड़ी, जैसे कहते हैं ना, अपना एक सेना लेके गए फिजी शूट करना, वहां मैनेज करना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क था। एंड बहुत अच्छा फिल्म बनाया, लोकेशंस बहुत अच्छे ढूंढे उन्होंने, क्योंकि जनरली मुझे तो नहीं लगता गुजराती फिल्म में आज तक इस तरह का फिल्म बना है। इट्स वेरी ऑसम फिल्म। अभी तो मैं सबसे ज्यादा अगर सेट से मस्ती मजाक की बात करूँ तो कौन सा चीज आपके जहन में अभी तक है, कोई भी ऐसी मेमोरी जो आपको यू नो बहुत फनी या फिर यादगार है? हमारे साथ पूरे एंटायर कास्ट में तो सभी फनी थे, बट स्पेशल हमारा फनी था जय विजय। यानी हम लोग को कभी 20-22 दिन कभी कभी बारिश हो जाता था तो हम लोग को लगता था क्या करेंगे, बिकॉज इट्स लाइक द एंटायर जंगल। हम लोग जहाँ पे थे वहीं पे हम लोग का मैक्सिमम शूट भी हो रहा था। इट एवरी मोमेंट इज वेरी फनी, और स्पेशली हम लोग का खाने को लेके बहुत फनीस्ट गेम्स होता था, और हम लोग अपने प्रोडक्शन वाले के पीछे पड़ जाते थे, बाबा कभी तो कोई नॉनवेज खिला, तो कब कब कड़ी खिलाएगा हम लोगों को। बट आई एंजॉयड विद ऑल द कास्ट एंड क्रू, बाकी तो हर घर में थाली खड़कती है, ऐसा चलता था। बट क्योंकि बहुत बड़ी टीम थी, बहुत सबका अपना अपना माइंड सेट था, बट मैंने सबके साथ बहुत इंजॉय किया, यानी मेरे लिए हर मोमेंट बहुत अच्छा लगता था। बोल भी देता था, बाकी लोग शायद नहीं बोलते थे। जब भी हम लोग डाइनिंग स्पेस पर बैठते थे, यानी जैसे नेचुरल थिंग्स होती है ना, कि जैसे चार एक जगह के मिल गए तो फिर वो उसी की बात करते थे। तो मैं समटाइम मेरी बहुत रिस्पेक्टेबल सुजाता कक्कर जी, जिन्होंने की गुजराती वाइफ का कैरेक्टर किया, तो मैं उनसे बहुत ही फ्रिक्वेंट हो गया था। एंड वन अनदर भूल जा रहा हूँ क्या, शीतल जी, तो मैं इनसे बहुत बोल्डली बोल देता था कि देखिए जब हम यहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन हो के आए हैं, फिल्म में हम चार डिफरेंट फैमिलीज दिखा रहे हैं, तो एटलीस्ट वी शुड टॉक इन अ कॉमन लैंग्वेज, जो कि मुझको भी समझ में आए। क्योंकि बहुत समय मुझे लगता था, हो सकता है मुझे गाली दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट आई फील दैट। तो मैं तो जो मेरी वाइफ का कैरेक्टर कर रही थी कृपा चंद्रा नंदनी का, तो उससे तो मैं लिटरली ऐसे हस्बैंड वाइफ झगड़ा करता था कि क्या तुम लोग ने मचा रखा है, गुजराती खाना गुजराती बोलना गुजराती। वो एक था कि मैं उसको बहुत इंजॉय करता था झगड़े के साथ। मैं अपने फैंस एंड व्यूअर्स को बार बार यही कहूंगा, प्लीज 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 पागलपंथी देखिए, पागल हो जाए और पागलपंथी 2 का अनाउंसमेंट कर। दिस मूवी रिलीजिंग ऑन 1st of June एंटायर गुजरात एंड महाराष्ट्र, जैसा कि हमारे डायरेक्टर जैकी जी ने बताया, और कुछ ओवरसीज भी ये बहुत जल्द रिलीज कर रहे हैं, 7 countries का कुछ का चल रहा है। एंड इसका जो हिंदी वर्जन है, जैकी जी ने बोला है 1st week पर रिलीज करेंगे। तो मेरे जितने भी नॉर्थ इंडियन व्यूअर्स हैं, ईस्ट व्यूअर्स हैं, उनको यही बोलूंगा कि अभी गुजराती से ही तमन्ना पूरी कर लो इस सुजय को देखो।